नमस्कार जय जगन्नाथ निरंजन शतपथी चैनल तरफ आपण मानक बहुत बहुत स्वागत बंधु नुआकरी चैनल रे वीडियो देखुले सब्सक्राइब करनी वर्तमान पूजा पाठ ज्योतिष पौराणिक विषय रे आगो को नुआ नुआ वीडियो देखापी ए वर्ष 2023 मसीहा जानुरी 21 तारीख शनिवार दिन अमावास्या पड़ी शनिवार अमावास्या पड़े ताकि शनि अमावास्या कह जाए यह छड़ा माघ कृष्णपक्ष अमावास्या को अनेक नाम समस्त जानते यथा त्रिवेणी अमावास्या मौनी अमावास्या माघ अमावास्या बा माघी अमावास्या अमावास्या रे स्नान को बहुत गुरुत्व दिया जाए तेणु यही अमावास्या को त्रिवेणी अमावास्या स्नान योग कहुए त्रिवेणी संगम कहले तीनोटी पवित्र नदी यथा गंगा जमुना एवं सरस्वती नदी संगम अर्थात मिलन स्थल को बुझा जाए यही संगम स्थल प्रयागराज नाम ख्यात यह भारत में उत्तर प्रदेश ठारु 7 किमी दूर इलाहाबाद में अवस्थित एठारे भारत बड़ मेला माघ मेला स्नान 45 दिन चले यही समय मध्य केतेक महत्वपूर्ण स्नान तिथि पड़ता है स्नान तिथि मध्य मकर संक्रांति एवं त्रिवेणी अमावास्या को बहुत पवित्र मना जाए यही दिन जब पवित्र जल में स्नान करा जाए सौभाग्यर प्राप्ति होता है प्रयागराज संगम स्नान कले भगवान विष्णु प्रसन्न होती एतद भिन्न हरिद्वार गंगा उज्जयिनी सिप्रा एवं नासिक रे गोदावरी स्नान कले अमृतबिंदुर स्पर्श प्राप्ति होता है ए वर्ष त्रिवेणी अमावास्या सहित शनि अमावास्या पड़ुव स्नान कला शनिदेव को पूजा करने उचित कारण शनि प्रियवार शनिवार प्रिय तिथि अमावास्या संजोग शनि को संतुष्ट करने उचित जो मानक जातक शनि 7.5 एवं अढ़ेया चलुची से मैंने अमावास्या दिन शनि को संतुष्ट करें शनिदेव को संतुष्ट करने शनिदेव को पूजा करने उचित कला तिल एवं सोरस तेल चढ़ावा उचित शनि कृपा द्वारा आपणकर दुख दूर हो वर्ष 2023 मसीहा जानुरी 21 तारीख शनिवार प्रातः 6:17 ठारु अमावास्या तिथि आरंभ हो शनिवार रात्रि 2:22 पर्यंत रहिबो अन्य एक पंजिका अनुसार 2023 मसीहा जानुरी 20 तारीख शुक्रवार शेष रात्रि 5:47 ठारु अमावास्या तिथि आरंभ हो शनिवार रात्रि 3:20 पर्यंत रहिबो एही तिथि रे स्नान कले अमृतबिंदुर स्पर्श होइथाय एवं मुख्य प्राप्ति होइथाय समस्त पाप एवं पूर्वजन्मर पाप मध्य दूर होइथाय पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन पर देवता एवं असुर अमृत कलश पाई जेतबेले निज निज मध्य टणाउटरा होते से ही समय अमृतर किसी बिंदु संगम हरिद्वार उज्जयिनी एवं नासिक ठारे छिटिकी पड़ा यही कारण केतेक श्रेष्ठ तिथि एठारे स्नान कले अमृत बिंदुर स्पर्श प्राप्ति होता है त्रिवेणी अमावास्यार धार्मिक महत्व अनेक अच्छी यही दिन स्नान कला तर्पण पिंडदान श्राद्धकर्म इत्यादि कर पितृपुरुष को प्रसन्न करा जाए यह छड़ा यही अमावास्या रे मौन व्रत रही अंतर्मन रे यात्रा आरंभ करा जाए एवं ईश्वर सहित मिलिबार प्रयास करा जाए तेणु यह मौनी अमावास्या कहा जाए यही अमावास्या शनिवार पड़ुवु शनि अमावास्या अटे यही शनि अमावास्या दिन शनिदेव को प्रसन्न करने किसी उपाय करती पितृपुरुष कि उपाय करता से गुड़िक एक पितृपुरुष नाम जल रे तिल मिसाई दक्षिण दिगरे तर्पण करने उचित दुई रे अमावास्या तिथि पितृपुरुष को समर्पित अटे एथिपाईन पितृपुरुष नाम तर्पण करने द्वारा पितृपुरुष को तृप्ति मिलता है प्रसन्न हो आशीर्वाद दे था दिन अश्वस्थ वृक्ष को पूजा करंतु एवं हलदिया रंगर पवित्र सूता 108 थर परिक्रमा करी बांधंतु चारिरे अश्वस्थ वृक्ष मूलरे दीप जलाई पितृपुरुषंकर कृपा प्राप्ति करंतु एवं परिवारर सुख शांति बढ़ांतु पांचरे एही दिन निज उपरे गंगा जल छिंची विष्णु को पूजा करंतु एवं पूजा परे पितृपुरुषंकर उद्देश्य रे गीतार सप्तम अध्याय पाठ करंतु एहा करिबा द्वारा पितृपुरुषंकर कष्ट दूर हेब एवं पितृगण प्रसन्न हेबे छरे मौनी अमावास्या रे पितृपुरुष को ध्यान करंतु
ଏବଂ ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଯାହା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାତରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାର ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଲଗାଇଥିବା ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଆଗକୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।